बोलिए 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 सर, बीजेपी आरोप लगा रही कि आप लोग सदन भी बाधित कर रहे हैं, सदन के अंदर कोई काम नहीं होने दे रहे। बिल्कुल गलत बात है। आज बहुत अच्छे से सदन चल रहा था, हम लोग सब ने प्रश्न किए, प्रश्न का उत्तर मिला, उत्तर पे भी हम लोगों ने प्रश्न किए, ऐसा तो कोई चीज़ आज नहीं हुई। कैसे आरोप लगा सकती बीजेपी? वो तो कल से चल रहा है, जो कि मेरे ओपिनियन में पूरी तरह गलत है, उसकी टाइमिंग भी गलत है, उसका उद्देश्य भी गलत है, और उस जिस कारण से किया जा रहा है वो पॉलिटिकल है, और इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छी बात नहीं है। और जब ये कभी रेट की बात, रेट पिटीशन में चैलेंज होगी कोर्ट के सामने, तो ये सब बातें सामने आएंगी, क्योंकि नोटशीट्स उस वक्त देखी जाएंगी कि किन परिस्थितियों में उस कल के दिन ये वो रेट ऑर्गेनाइज किया गया था। नहीं, कोई खतरा नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट नंबर्स है। प्रॉब्लम तो बीजेपी की है कि जो उसको खतरे में डालना चाहती है, उनका विश्वास है कि वो ऐसा करना चाहते हैं, बट उनका विश्वास पूरा नहीं होगा। पर सर, अगर बात की जाए अभी जिस तरीके से आज राजपुर जी जा रहे हैं गाजियाबाद के, बीजेपी की तरफ से बंद किए गए थे लोग कांग्रेस के, क्या लगता है पूरे देश में यही इस तरीके का माहौल है? नहीं, बीजेपी ने देश का माहौल खराब किया है, लोगों को डराने धमकाने की एक नीति है उनकी, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, पूरा देश विरोध कर रहा है। इसलिए बीजेपी की ये नीति शॉर्ट लिव्ड होगी, बहुत दिन चल नहीं सकती, और ये अघोषित इमरजेंसी है, ये एक प्रकार से नेक्स्ट इलेक्शन में इसका पटरा साफ होगा। हम लोग लगातार चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं, क्या आश्वासन मिला आपको चुनाव? चुनाव आयोग ने हम लोग की बात सुनी और उस पर कार्रवाई की, और जो बेस्ट कार्रवाई वही हो सकती है कि रिपोर्ट बुलवाते हैं कि भाई इन एलिगेशन के बारे में आपको क्या कहना है। थैंक यू सर।